यूपी में निकाय चुनाव पर अभी अदालत का फाइनल फैसला आना बाकी है, लेकिन कोर्ट के फैसले के इंतजार के साथ साथ भाजपा निकाय चुनाव की रणनीतियों पर पूरी मजबूती के साथ मंथन कर रही है। लखनऊ में भाजपा की अहम बैठक प्रदेश कार्यालय में हुई। इस बैठक में यूपी भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, अलग अलग प्रकोष्ठों के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में पार्टी संगठन के अभियानों की समीक्षा के साथ साथ सभी सात मोर्चों की भी समीक्षा की गई। आगामी क्या कार्यक्रम होंगे पार्टी के नए साल में, तमाम सारे अभियान चलाए जाने हैं, उसको लेकर भी आज प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ चर्चा हुई है। इस मीटिंग में भाजपा ने यह तय किया कि अगर अदालत का फैसला जल्द चुनाव कराने के पक्ष में आता है तो पार्टी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर देगी, और जैसा माननीय उच्च न्यायालय का आदेश होगा, हम अगर चुनाव अभी होता है बहुत जल्दी तो हम प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया पूरी करके चुनाव में चले जाएंगे। दरअसल 12 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद से इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। इस मामले में अब 27 दिसंबर को अगली सुनवाई होनी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। यूपी नगर निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर बेशक अभी स्टे बरकरार है, लेकिन सियासी दलों ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है। दिल्ली पंजाब के बाद गुजरात विधानसभा और दिल्ली के एमसीडी चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाली आम आदमी पार्टी ने अब यूपी के निकाय चुनाव को लेकर कमर कस ली है और निकाय चुनाव में यूपी के सभी सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान किया है। कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जो जाति धर्म में जकड़ी है, इसको आप ही बचा सकते हैं और इसको बचाने के लिए आपको हाथ में झाड़ू लेनी पड़ेगी। नगर निकाय चुनाव में परचम लहराने के लिए आम आदमी पार्टी यूपी में 1 जनवरी से सेल्फी विद कूड़ा अभियान चलाकर सरकार पर हमला बोलेगी। 10 दिन तक हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में झाड़ू चलाओ गंदगी हटाओ की यात्रा निकाली। निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर भी आम आदमी पार्टी ने यूपी सरकार को घेरा और गड़बड़ी के आरोप लगाए कि परसीमन में उत्तर प्रदेश की सरकार ने गड़बड़ी और धांधलीबाजी की है, जिसके कारण से इतनी सारी याचिकाएं हाई कोर्ट के सामने पहुंची। आपको बता दें कि यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारी कर रखी है। हालांकि चुनाव की तारीखों पर कोर्ट से ओबीसी आरक्षण पर फैसला आने के बाद ही तस्वीर साफ होगी। जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। कानपुर पुलिस ने सपा विधायक के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की है। थाना जाजमऊ पुलिस ने एसपी एमएलए इरफान सोलंकी समेत 5 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, इसराइल आटा वाला और मोहम्मद शरीफ के नाम है। इन सभी लोगों पर दूसरे की जमीनों पर कब्जा करने, जमीन से बेदखल करने और लोगों को जमीनों को गलत तरीके से हासिल करने के आरोप हैं। इतना ही नहीं, इरफान पर 3 नए मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इरफान पर उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम और ड्यूटी के दौरान पुलिस उप निरीक्षक से अभद्रता, बदसलूकी, दुर्व्यवहार करते हुए सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए अराजक स्थिति उत्पन्न करने के संबंध में मामले दर्ज किए गए हैं। तीसरा मुकदमा पुलिस कर्मी के साथ सड़क पर दुर्व्यवहार करने, कार्य में बाधा डालने और उनके साथ जो है उनके सरकारी कार्यों में पूरी तरह से गतिरोध पैदा करने से लेकर के है, जहां पे अव्यवस्था फैल गई थी, जो कि ग्वालटोली थाने में दर्ज किया गया। इरफान सोलंकी बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी भारतीय नागरिकता दिलाने समेत प्लॉट विवाद, आगजनी और फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने के विभिन्न मामलों में महराजगंज जिला जेल में बंद है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।